दोस्तों दोस्तों, ऐसा ऐसा आपके साथ भी बहुत बारी हो चुका होगा। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान का हर रोज नाम लेते हो, भक्ति करते हो, फिर भी आप दुखी रहते हो, आपको दुख ही मिलता है। पर जो भगवान कहते नहीं, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सुख में जीते रहते, वो भगवान का नाम तक नहीं लेते, पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा सुख में जीते हैं। ऐसा क्यों? कभी कभी तो ऐसा लगता है लोगों को कि भगवान ही गलत है, पर नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं जो बुरे लोग हैं उनको मैं बहुत कुछ देता हूँ, बहुत कुछ, पर सबसे महत्वपूर्ण उनका साथ नहीं देता। पर अच्छे लोगों की कठिन परिस्थिति, अच्छे लोगों की कठिन से कठिन परीक्षा लेता हूँ, पर उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, जो पूजा पाठ करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों का कभी भगवान साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं उनका भगवान कभी नहीं साथ छोड़ते, पर जो बुरे लोग होते हैं उनका कभी साथ नहीं देते। उनको कुछ मिले या ना मिले, पर सबसे महत्वपूर्ण होता है साथ, जो भगवान का होता है। जो आपके पास है उनका साथ, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ साथ होना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सफल होने के मार्ग, रास्ते बहुत हैं, पर उन रास्तों पे आपको किस रास्ते पे जाना है, ये सिर्फ आपके हाथों में दोस्तों, आपके इंसान के ही हाथों में होता है किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है। अच्छे मार्ग से जाना है या बुरे मार्ग से जाना है, ये आपके हाथों में, हमारे नहीं। दोस्तों, जितने भी जीवन में दुख, दर्द, सुख का सामना करना पड़ता है, वो सिर्फ इंसान ही करता है, और इंसान की वजह से उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आप कुछ अच्छा करोगे तो उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, और कुछ बुरा करोगे तभी भी उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने अच्छे कर्म रखो, सच्चे कर्म रखो। दोस्तों, कर्मों पे सारी चीज़ें होती है। दोस्तों, भगवान से नहीं डरते, चलेगा, पर अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि कर्मों के फल तो भगवान को भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने कर्म हमेशा अच्छे सच्चे रखना, क्योंकि कर्मों के फल सबको मिलते हैं, आपको, भगवान को, हर किसी को। इसलिए अपने कर्म अच्छे सच्चे रखना हमेशा। दोस्तों, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पर आगे बढ़ने के लिए हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचता। सिर्फ इतना ही सोचता है कि हमें ये करना है, वो करना है। और हर एक इंसान की हमेशा छोटी सोच होती है कि हमें सिर्फ ये करना है, हमें कौन सी नौकरी ढूंढनी है, उसे करना है, और फिर कुछ नहीं। पर आपको सोच तो ऐसे रखनी चाहिए कि कुछ बड़ा करना है। लोग बड़ा करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यही सोचते कि सिर्फ हमें कौन सी नौकरी मिल जाए और उसे हम करते हुए हमारा पूरा जीवन व्यतीत खत्म कर देंगे, और हमें आगे कुछ करना ही नहीं।
दोस्तों, इंसान को ऐसे नहीं बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि हमें कुछ बड़ा करना है। इंसान कभी भी बड़ा करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ऐसा सोचता है कि हमें सिर्फ ये करना है, वो करना है और कुछ नहीं। कभी भी आपको बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे, छोटा सोच रखोगे तो कुछ ना कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच रखो, कुछ नहीं करना तो सोच ही मत रखो। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी व्यक्ति ने आपको मौका दिया है तो उसे धोखा मत दो, और किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो फिर उसे मौका मत दो। हर कोई अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, और खुश ही रहने के लिए वो अपने जीवन में धन कमाता है, पर वो कभी इसके बारे में नहीं सोचता। इंसान हमेशा हमेशा अपनों से जो अमीर है, हमसे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है इंसान। कभी ऐसा नहीं सोचता, कभी भी इंसान ऐसा नहीं सोचता कि हमसे जो गरीब है वो कैसे जीते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, इसके बारे में कभी नहीं सोचता। जो सोचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके बारे में भी सोचो और कुछ बड़ा करो। दोस्तों, बड़ा करने की सोच सिर्फ बड़े लोग ही रखते हैं। आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच रखो। सोच के ऊपर विचारो, सोच के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। आपके विचार बढ़े तो काम बढ़े, और काम बढ़े तो सफलता भी बड़ी। दोस्तों, सफल होना सबके लिए अलग अलग है। दोस्तों, कोई इंसान ऐसा सोचेगा कि ये सफलता तो मैं जल्द ही हासिल कर लूँगा, मैं इसे जल्द ही हासिल कर लूँगा, जल्द ही पा लूँगा। ऐसे सारे सोचते लोगों के ऊपर होता है। लोग सोचेंगे कि ये तो सफलता हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं हासिल ही नहीं कर सकता, मेरा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लोग सोचते हैं, पर ऐसा कभी नहीं सोचते कि मैं इसे करके ही दम लूँगा, बल्कि ऐसा सोचते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। बल्कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि यह मुझे जल्द ही कर लूँगा। जो इंसान जल्द ही कर लूँगा ऐसा सोचता है वो उसे करता है, पर जो नहीं सोचता वो उसे नहीं कर पाता। दोस्तों, हमेशा एकजुट रहिए। दोस्तों, आपको फायदे बताता हूँ, अकेले लोग हैं उनको क्या फायदे, और जो परिवार के साथ है उन्हें क्या फायदे। दोस्तों, जो परिवार के साथ है, जो लोग परिवार के साथ है उन्हें भी फायदे हैं, और जो परिवार के साथ नहीं है उन्हें भी फायदे हैं। सबसे पहले बताता हूँ जो परिवार के साथ है उन्हें क्या फायदे हैं। दोस्तों, जो लोग परिवार के साथ रहते हैं उन्हें फायदे ये हैं, उनको फायदे बहुत सारे, वो बहुत सारे लोग हैं, वो एक काम चुटकियों में कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो कोई भी काम सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बल बहुत है और दिमाग भी, इसलिए वो कौन सी भी चीज़ जल्द ही कर सकते हैं। और उसके साथ ही में वो लोग बहुत सारे, अनेकता में ही एकता होती है। बहुत सारे लोग एकजुट होके कौन सी चीज़ करें तो उस चीज़ को वो जल्द ही कर लेंगे। ये है जो लोग परिवार के साथ है उन्हें ये फायदे, और जो परिवार के साथ नहीं है, जो लोग अकेले हैं उन्हें भी बहुत सारे फायदे, जैसे कि जो लोग परिवार के साथ हैं उन्हें फायदे कितने हैं ये मैंने बता दिया। अब जो परिवार के साथ नहीं है, जो लोग अकेले उन्हें भी बहुत सारे फायदे बताता हूँ। जो लोग अकेले हैं उन्हें कोई इतनी
अच्छे मकान और एक मजबूत और बहुत अच्छे मकान की इतनी जरूरत नहीं होती। वो एक टूटा हुआ मकान भी हो तो कम दाम में वो वहाँ रह सकते पर उनके पास कोई मकान ही नहीं है तो भी वो रह सकते, क्योंकि दोस्तों उनके पास मकान नहीं है तो क्या हुआ, वो अकेले, इसलिए कहाँ ना कहाँ कौन सी अच्छी जगह जगह तलाश के ढूंढ के वो वहाँ रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये फायदे होते हैं जो अकेले उनमें, और जो ये फायदे होते हैं जो परिवार के साथ है उनको। इसलिए दोस्तों आप हमेशा एकता रहे। दोस्तों आप परिवार के साथ हो तो अकेले मत हो, और अकेले हो दोस्तों अकेले रहना सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि दोस्तों अकेले रहने से बहुत सारे फायदे होते हैं, और परिवार के साथ रहने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी आप हार मत मानो, क्योंकि जो लोग हार मानते हैं वो हार के ही रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी आप अपने जीवन में हार मत मानो, जो लोग हार मान जाते हैं वो हार के बैठ जाते हैं, इसलिए कभी भी आप हार मत मानो। दोस्तों सफल होना हर कोई चाहता है, पर सफल होना है तो कुछ बड़ा सोचो। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बातें अपने जानी सुनी देखी उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में जरूर उतारें, और आप एक सफल व्यक्ति जरूर बने। और दोस्तों जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।